हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास सेवन के हनी कॉम का चैप्टर फाइव क्वालिटी करेंगे बिफोर यू रीड कैन ए शू मेकर भी कॉल एन आर्टिस्ट यस इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोर्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट क्या एक जूता बनाने वाले को अच्छा कलाकार कहा जा सकता है हाँ यदि वह किसी अन्य कलाकार की भांति अपने व्यवसाय में दक्षता एवं गर्व महसूस करता है और उसके प्रति वही सम्मान की भावना रखता है मिस्टर गैसलर जो एक जर्मन जूता निर्माता था और लंदन में बसा हुआ था एक संपूर्ण कलाकार है इस कहानी को पढ़ें यह समझने के लिए कि किस प्रकार वह अपने जीवन को अपनी कला के प्रति समर्पित कर देता है आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ my एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड my फादर्स बूट्स ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन his shop, which वाज इन a स्मॉल by स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ London. मैं उसे अपनी भरपूर युवा अवस्था से जानता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाया करता था वह अपने छोटे भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करता था जो कि लंदन के फैशनेबल इलाके में एक छोटी उप गली में थी द सॉफ हैड ए सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन देर वॉज़ नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्ज एंड इन द विंडोज अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स ही मेड ओनली वाट वॉज ऑर्डर्ड एंड वाट ही मेड नेवर फेल टू फिट टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सिम टू मी देन एंड स्टिल सिम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल उस दिन उस दुकान में कुछ विशेषता थी वहाँ गैसले भाइयों के नाम के अतिरिक्त दुकान पर अन्य कोई निशान नहीं था और खिड़की में कुछ जोड़े जूतों के थे वह केवल ऑर्डर पर ही जूते बनाता था और जो जूते वह बनाता था कभी भी फिट आने में असफल नहीं होते थे जूते बनाना जैसे जूते वह बनाया करता था तब मुझे और अब भी रहस्यनुमा एवं विचित्र लगते हैं आई रिमेंबर वेल my shy रिमार्क्स वन डे while स्ट्रेचिंग आउट टू हिम my यूथफुल फूड isn't इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर and his आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड it इज एन आदित मुझे मेरा श्रम से कहा गया कथन आज भी अच्छी तरह से याद है एक दिन जब मैं अपनी युवावस्था के पांव को फैला रहा था मिस्टर गैसलर क्या यह काम अर्थात जूता बनाने का काम बहुत मुश्किल नहीं है और अचानक मुस्कान के साथ जो उसकी लाल दाढ़ी से प्रकट हुई थी उसका जवाब था यह एक कला है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द सम एसेंस टेम्परे समिज इन टू देम उनके पास प्राय जाना संभव नहीं था उनके द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही टिकाऊ हुआ करते थे वे अस्थायित्व से काफी परे थे जूतों का प्रमुख सार उनकी सिलाई में था वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉफ बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड अ अगटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नेहरो वुडन स्टेयर एंड वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न बैक ब्लिकिंग एज इफ अवेकंड फॉर सम ड्रीम ऑफ बूट्स व्यक्ति उनकी दुकान में जाता था लेकिन ज्यादातर दुकानों की तरह नहीं आराम से जैसे कोई चर्च में जाता है और एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठ कर इंतजार करता था एक करकस आवाज और उसकी चप्पलों की टपटप -टप की ध्वनि तंग लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ते हुए सुनाई देती थी और वह व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने थोड़ा सा झुकावा चमड़े का आगे का भाग वस्त्र पहने कमीज की बाजों को पीछे की ओर मोड़े आंख आंख झपकते हुए आकार आकर खड़ा हो जाता था जैसे कि मानो वह जूतों के किसी सपने से जगा हो आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैस्लर कूड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स और मैं उसे कहा करता था मिस्टर गैसलर आप कैसा, कैसे हैं क्या आप मेरे लिए रूसी कपड़े के जूते बना सकते हैं विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वैंस ही केम और इन टू द अदर पोर्सन ऑफ द शॉप एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिस्ट्रेड Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold-brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, What a beautiful beast! When I too had admired it, he would speak again, When do you want them? And I would answer, Oh, as soon as you conveniently can. And he would say, Tomorrow forbidding. Or if he were his elder brother i will ask my brother बिना किसी शब्द के वह मुझे विश्राम की अवस्था में छोड़ जाता जब वह आता या दुकान के दूसरे हिस्से में जाता और मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करता और उसके धंधे की महक सांस के साथ अंदर लेता रहता था जल्दी वह वा वापस आता अपने हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा उठाए हुए इस पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहता यह सुंदर टुकड़ा है जब भी मैं उसके चमड़े की प्रशंसा करता तब तो वह फिर से कहता वे तुम्हें कब चाहिए और मैं जवाब देता ओह जितना जल्दी आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सके तब तो वह कहता कल से पंद्रह दिन बाद अथवा यदि उसका बड़ा भाई होता मैं अपने भाई से पूछूंगा कहा करता था देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स तब मैं बुदबुदा था आपका धन्यवाद मिस्टर गैस्लर। गुड मॉर्निंग वह जवाब देता गुड मॉर्निंग उस समय वह अपने हाथ में लिए हुए चमड़े की ओर देखता रहता था और जब मैं चलकर दुकान के दरवाजे तक पहुंचता, मुझे उसकी चप्पलों की टप टप की आवाज़ सीडियो पर चढ़ने की सुनाई देती वह जूतों के सपनों में चला जाता आई कैन नॉट फॉगेट दैट ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो ही लुकड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट Then said it shouldn't have इट it did i am afraid you good damn wed before they found themselves. I don't think so. मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे उसने यह कहने को मिला था मिस्टर गैसदर वह अंतिम जोड़ो जूतों का जोड़ा चर्चर -चर की आवाज करता है आप जानते हैं वह कुछ समय तक मेरी ओर देखता रहा बिना उत्तर दिए. जैसे मानो वो उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपने कथन को वापस लूँगा अथवा उसमें कुछ अन्य बात जोड़ूंगा तब उसने कहा उसे चर्चर की आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी यह करता है मुझे भय है तुम्हें उन्हें अपने सही अस्था में आने से पहले भी होगा मैं ऐसा नहीं सोचता एट डैट ही लोड हिज आईज As if hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Jan them back, he said. I will took at them. Jum boots, he continued slowly, are bad from Badit. If I can do nothing with them, I take them off your bill. इस पर उसने अपनी नजर नीचे कर ली जैसे मानो वह उन जूतों को अपनी याद में लाने की कोशिश कर रहा हो और मुझे इस बात का खेद हुआ कि मैंने यह गंभीर बात उसको बताई उन्हें वापस भिजवा देना मैं उनकी जांच करूंगा उसने कहा उसने कहना जारी रखा कुछ जूते जन्म से ही बुरे होते हैं यदि मैं उनके साथ कुछ न कर सका तो उन्हें वापस ले लूँगा और उनकी कीमत वापस लौटा दूंगा वन डे सॉरी वंस वंस ऑनली आई वेंट एबसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोविंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनीट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट एट लास्ट ही सैड दज आर नॉट माई बूट्स एक बार केवल एक बार बिना सोचे समझे हुए उसकी दुकान में गया उस समय मैंने आपातकाल में एक बड़ी फर्म से खरीदे हुए जूते पहन रखे थे उसने मुझे बिना चमड़ा दिखाए हुए ही मेरा ऑर्डर स्वीकार कर लिया और मैंने महसूस किया कि उस उसकी नज़र मेरे पाँव में पड़े जूते की घटिया किस्म को भेद कर देख रही थी अंत में उसने कहा वे मेरे जूते नहीं हैं the tone was not one of anger nor of sorrow not even of contempt but there was in it something quite that froze the blood he put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable it hurts you dear he said does big whims of no self-respect and then as if something had given way within him he spoke long and bitterly इट वाज़ द ओनली टाइम आई द कंडीशन एंड हार्डसिप ऑफ हिस्स ट्रेड उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था नहीं दुख था और नहीं ही घृणा थी लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे रक्त जम जाता उसने अपना हाथ नीचे रखा और एक अंगुली को दबाया इस स्थान पर जहाँ बाएं पैर का जूता बिल्कुल ही आरामदायक नहीं था यह तुम्हें यहाँ दर्द करता है उन बड़ी फर्मों का कोई आत्मसम्मान नहीं है उसने कहा और तब जैसे कोई चीज उसके अंदर टूट गई हो वह लंबे समय तक कड़ाहट के साथ बोला यही केवल एक मात्र समय था जब उसने अपने व्यवसाय की हालत तथा कठिनाइयों का जिक्र किया था दे गेट इट ऑल ही सेड दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु आवर बूड्स इट गोम्स टू डिस ब्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गैट्स लेस यू विल सी ए लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सिम सडनली इन हिज रेड बियर्ड उसने कहा वे ये सब प्राप्त करते हैं वे विज्ञापन के द्वारा से प्राप्त करते हैं काम के द्वारा नहीं वे इसे हमसे छीनते हैं जो अपने बूटों को प्यार करते हैं इसका नतीजा यह है कि इस समय मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है प्रत्येक वर्ष यह कम होता जा रहा है और झूरियों से भरे हुए उसके चेहरे को देखते हुए मैं उन चीज़ों को समझ गया जिनकी और मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था कड़वी चीजें कड़वा संघर्ष और अचानक ही उसकी लाल दाढ़ी में अनेक सफ़ेद बाल मुझे दिखने लगे एज़ बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स बट इज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एंड इम्प्रेशन डेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नीयरली टू ईर्स मैंने उन अशुभ जूतों को खरीदे जाने के हालातों की व्याख्या की जैसी मैं अधिक से अधिक कर सकता था लेकिन उसका चेहरा और उसकी आवाज का प्रभाव इतना गहरा था कि अगले कुछ मिनटों में मैंने उसे अनेकों जूतों के जोड़े बनाने का ऑर्डर दे दिया वे बहुत लंबे समय तक चले और मुझे लगभग दो वर्ष तक उसके पास जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप दिस टाइम इट अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर वेल मिस्टर गैसला आई सेड हाउ आर यू ही केम क्लोज एंड पेयर एट मी आई एम ब्रेड वेल he said slowly but my elder brother is dead and i saw that it was indeed himself but how is it and when and never before had i heard him mention his brother much shocked i murmured oh i am sorry मैंने उसकी दुकान पर अगले दौरों से कई महीने पहले का समय था इस बार यह उसका बड़ा भाई प्रतीत होता था जो चमड़े का टुकड़ा हाथ में पकड़े हुए था मैंने कहा अच्छा मिस्टर गैसलर आप कैसे हो वह मेरे पास आया और उसने मेरी और गौर से देखा उसने धीरे से कहा मैं ठीक ठाक हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया है और मैं समझ गया कि वह स्वयं ही था लेकिन वह इतना बूढ़ा और बीमार सा लगता था और इससे पहले मैंने उसे अपने भाई का जिक्र करते हुए नहीं सुना था वह दुखी होते हुए मैं बुदबुदाया ओह मुझे बड़ा खेद है यस ही आंसर्ड ही वॉज़ ए गुड मैन he made a good boot but he is dead and he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate i suppose the cause of his death do you want any boots and he held up the leather in his hand it's a beautiful beast उसने उत्तर दिया हाँ, वह एक भला व्यक्ति था वह अपने जूते बनाया करता था लेकिन वह मर गया और अपने सिर के ऊपरी हिस्से का स्पर्श किया जहाँ उसके बाल उसके बड़े भाई की तरफ बहुत ही पतले हो गए थे मेरा मानना है कि उसने अपने भाई की मौत के कारण ही वहाँ इशारा किया था क्या तुम्हें जूते चाहिए वह अपने हाथ में एक चमड़ा थामे हुए था यह एक सुंदर चमड़े का टुकड़ा है आई ऑर्डर सेवल पेयर्स इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट एंड सोन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड मैंने अनेकों जोड़ों के लिए ऑर्डर किया वे बहुत समय तक पहले बनकर आ गए थे लेकिन वे पहले से भी ज्यादा अच्छे थे उन्हें आसानी से नहीं घिसाया जा सकता था और उसके शीघ्र ही मैं विदेश चला गया इट वॉज ओवर एयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉच माई ओल्ड फ्रेंड्स आई हैड लेफ्ट a मैन ऑफ sixty. आई केम बैक टू वन ऑफ seventy-five, pinched एंड worn, हु genuinely, दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी एक साल से पहले ही मैं फिर लंदन में था और सबसे पहले दुकान जहां मैं गया वह मेरे मित्र की थी मैं उसे साठ वर्ष की आयु का व्यक्ति छोड़कर गया था मैं वापस आया तो वह पिचहत्तर वर्ष का बूढ़ा सिकड़ा हुआ एक थका हुआ दिखाई देने लगा था इस बार वास्ते में ही वह डिस्ट्री में मुझे नहीं पहचान सका डू यू वांट एनी बूट्स ही सेड आई कैन मेक डेम क्यूकली इट इज एम आई आंसर प्लीज प्लीज आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड आई हैड गिवन दीज बूट्स अपन वन इवनिंग द केम वन बाई वन आई ट्राई दैम ऑन इन शेप एंड फिट इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे आर द बेस्ट ही हैड नेवर मेड आई फ्लू डाउन स्टेयर्स रोड एज चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड उसने कहा क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए मैं उन्हें जल्दी बना सकता हूँ यह समय खाली है मैंने जवाब दिया कृपया कृपया मुझे हर प्रकार के जूते चाहिए मैंने उन जूतों की उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन एक दिन वे मेरे पास पहुँच गए एक एक करके मैंने उन्हें आजमाया आकार में और समायोजन में सफाई में और चमड़े के गुण की दृष्टि से वे उसके द्वारा बनाए गए सभी जूतों से अच्छे थे मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा एक चेक लिखा और मैंने स्वयं अपने हाथों से इसे डाक में डाला अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्पलेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस एक सप्ताह बाद उस छोटी सी गली से निकलते हुए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊं और उसे बताऊं कि नए जूते पाओ में कितने सुंदर ढंग से फिट हैं। लेकिन जब मैं उस जगह पर गया जहां उसकी दुकान हुआ करती थी देखा कि वहां उसका नाम नहीं था मैं बहुत ही चिंतित होते हुए दुकान में गया दुकान के अंदर एक अंग्रेजी चेहरे वाला युवक था मिस्टर गैसलर इन आई शेड नो सर ही हैड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर we हैव टेकन द shop ओवर यस यस आई said बट मिस्टर गैसलर ओह ही आंसर डेड डेड बट आई only received दिस boots फ्रॉम हिम last वेंसडे वीक मैंने कहा क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है उसने कहा नहीं श्रीमा नहीं लेकिन हम बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं हमने यह दुकान खरीद ली है मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है लेकिन मिस्टर गैसलर कहा हैं उसने उत्तर दिया ओहो वह तो मर गए मर गए लेकिन मैंने केवल ये जूते उनसे पिछले बुधवार को ही प्राप्त किए थे हा ही सेट पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे वुड कीप द शॉप ऑन वुडंट हैव ए शोल्ड टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ वैन ही गॉट एन ऑर्डर ही टुक हिम सच ए टाइम पीपुल वॉन्ट वेट ही लॉस्ट एवरीबडी एंड देयर ही वुड सीट गोइंग ऑन एंड ऑन आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज्ड वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ वेल देर इट इज व्हाट कूड यू एक्सपेक्ट विद हीज आइडियाज उसने कहा दुख की बात है कि बेचारे गरीब बूढ़े ने धीमी भूख से अपने आप को भूख से मार डाला जैसा कि डॉक्टर कहते थे आप जानते हैं कि वह इस प्रकार से काम करता था वह दुकान खुली रखता अपने जूतों को अन्य किसी को भी छूने नहीं देता जब उसे कोई ऑर्डर मिलता उसे पूरा करने में उसे इतना अधिक समय लग जाता लोग इंतज़ार नहीं करते वह अपना सब कुछ गवा बैठा और वह बैठा रहता और लगातार काम करता ही रहता मैं तो ये कहूँगा कि उसके अतिरिक्त इतने अच्छे जूते बनाने वाला लंदन में कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन प्रतियोगिता की ओर देखें उसने कभी प्रचार नहीं किया वह अच्छे से अच्छा चमड़ा काम में लेता था और सारा काम स्वयं अपने हाथों से ही करता था अब नतीजा यह है आप उसके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं बट स्टाविशन दैट मे बी ए बिट फ्लारी एज द से इज बट आई नो माई सेल्फ ही वाज सिटिंग आवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम नेवर गेव हिम सेल्फ टाइम टू इट नेवर हैड ए पैनी इन द हाउस ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर हाउ ही लिव सो लॉन्ग आई डोंट नो ही रेगुलरलीट इज फायर गो आउट ही वॉज ए करेक्टर बट ही मेड गुड बूट आई सेवल भूखमरी यह मुहावरेदार प्रतीत हो सकता है जैसा कि कहावत है लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि वह अपने जूतों के काम पर दिन और रात बैठा रहता था अपनी अंतिम घड़ी तक मैं उसे देखा करता था उसने खाने के लिए कोई भी समय नहीं निकाला उसके घर में एक पाई भी नहीं थी उसकी सारी कमाई किराए में और चमड़ा खरीदने में ख़त्म हो जाती थी वह इतने लंबे समय तक कैसे ज़िंदा रह सका मैं नहीं जानता वह नियमित रूप से अपने अंगीठी को बूझ जाने देता वह एक चरित्र था लेकिन वह अच्छे जूते बनाया करता था हाँ मैंने कहा वह अच्छे जूते बनाता था अच्छा है बच्चों समझ में आई होगी बिल्कुल लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू